देखिए शरण जी, आतंकवाद को खत्म करने की कोशिश तो बिल्कुल ही नहीं है, बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आतंकवाद और बढ़ेगा भी, बिकॉज पोलराइजेशन इतनी हो चुकी है आपस में। ये जैसे आपने राइटली अभी बताया कि ये 3H जो है, टेररिस्ट ग्रुप्स, हिजबुल्ला, हौती और हमास, अब ये एक साथ मिलके, और इनकी एक ताकत और बढ़ेगी। और खास तौर पे मैं यहाँ पे जिक्र इसलिए करना चाहता हूँ कि आतंकवाद तभी बढ़ता है जब कोई स्टेट का पावर, एक देश इस आतंकवाद को सपोर्ट करता है। तो आज हम ये देख रहे हैं कि हम इस रीजन में, मिडिल ईस्ट में, ईरान का बहुत बड़ा रोल देख रहे हैं, टर्की का भी रोल है इसमें। तो हम इन देशों का जब रोल देखते हैं कि ये आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और उसको फाइनेंस कर रहे हैं, हमको पूरी इंफॉर्मेशन है कि हर एक साल कितनी फंडिंग हजबुल्ला को जाती है और हमास को जाती है। और एक और इसका आपका मैं बता दूं, UNRWA जो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये गाजा में सपोर्ट दे रही थी गाजा की फाइनेंशियल स्थिति को और बढ़ाने के लिए, स्कूल्स ये वहां पे इनके चल रहे थे, फंडिंग आ रही थी, ये सारी फंडिंग हमास के पास आ रही थी। और हमास इसको डेवलपमेंट की जगह अपने जो हथियारों को बढ़ाने में लगा रखा था, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि सुरंगों को बढ़ाने में लगा रहा था। तो हम अपने सब कॉन्टिनेंट में भी देखते हैं कि अगर आज लश्करे तौयबा और ये जैश मोहम्मद जैसे ग्रुप्स जो एक्टिव हैं, और खास तौर पे रजौरी और पुंछ के इंसिडेंट्स को भी हमने देखा, तो इसमें बहुत क्लैरिटी है कि इसमें पाकिस्तान का और चाइना का, दोनों का इसमें सपोर्ट फाइनेंशियली भी है और उनको पनाह देने के लिए भी है, ट्रेनिंग कैंप्स के लिए भी है। तो ये आतंकवाद, जैसे अमेरिका जो स्टेटमेंट्स देता है बड़ी बड़ी जी कि हमने ये इसको खत्म करना है, आप इसको मुझे बताइए कि इराक में जब इसको आइसिस को जो दावा किया था अमेरिका ने कि हमने आइसिस को खत्म कर दिया 2017-18 में, जी तो आज इस आइसिस दोबारा से अफगानिस्तान में उभर के आ गया, आइसिस खोरासन, और वो पाकिस्तान में भी जो स्ट्राइक्स हो रही है अंदर पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट। तो ये एक स्टेटमेंट जो है, जो यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से आती है, इसमें कोई भी जेन्युइननेस नजर नहीं आ रही है मुझे। बिल्कुल बिकॉज अभी आप देख रहे हैं जी कि अभी मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, जो पुंछ रजौरी का अटैक हुआ था, उसमें जो हथियार मिले हैं, जो उसमें बुलेट्स मिली हैं, वो अमेरिका से आई हुई बुलेट्स हैं, वो स्टील बुलेट्स हैं, वो जो एक जी खास तौर की बुलेट्स हैं, वो कोई भी देश की इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर नहीं होती है, खाली अमेरिका में मैन्युफैक्चर होती है। तो अगर वो सामान टेररिस्ट के पास आ चुका है, जी अमेरिका से थ्रू आ रहा है,